धनुष से पूछा कि तुम्हें टूटने का कोई अफसोस नहीं है? धनुष ने कहा, मेरी जीवन यात्रा भी बड़ी लंबी है। मैं भगवान शिव का धनुष था, उनसे उन्होंने देवताओं को दिया, देवताओं ने जनक जी के पूर्वज देवरात को दिया, और देवरात से लेकर के सारे जनक वंशीय राजाओं ने मेरी पूजा की, तो मेरा उत्थान है। और एक दिन जगत जननी जगदम्बा भगवती भास्वती पराम्बा श्री जनक नंदिनी जानकी ने मुझे अपने कर पल्लव में उठा लिया। सोचो, मेरी जीवन यात्रा में तो उत्थान ही उत्थान है। किसी ने कहा टूटना पतन है, धनुष ने कहा पूरी बात तो सुन लो, देखो मेरी जीवन की यात्रा, भगवान शिव के हाथ से चलते चलते मैं जानकी जी के कर पल्लव तक पहुंच गया। एक दिन जानकी जी ने भी इस धनुष को उठा लिया था, और जिसको माता जानकी हाथ में उठा लेती हैं, वह भगवान के हाथों तक जरूर पहुंच जाता है, इसका मुझे विश्वास था। और देखो तो आज इस भरी सभा में स्वयं रघुनाथ ने भी मुझे अपने कर कमल में धारण किया, ये तो मेरा उत्थान है। किसी ने पूछा, यहां तक तो यात्रा ठीक, लेकिन आज टूट गए और दो भागों में नीचे पड़े हुए हो। धनुष ने कहा, नहीं नहीं, रघुनाथ ने मुझे उठाया तो था, लेकिन जब नीचे रखने लगे तो हमने कहा, प्रभु अब एक रूप में नीचे मत रखना, मुझे दो रूपों में कर दो। भगवान ने पूछा, क्यों? कहा, प्रभु पहले तो मैं एक रूप में माता जानकी के चरणों में पड़ा रहता था, अब तो आप भी मुझे मिल गए, तो मुझे दो भाग में खंडित कर दो। एक भाग से मां जानकी के चरण में पड़ा रहूंगा और दूसरे भाग से आपके चरण में पड़ा रहूंगा, इसलिए मुझे दो भागों में कर दो। तो ये मेरा पतन नहीं है, ये तो मेरा उत्थान है। मैं तो राम कर तीर्थ तक पहुंच करके आज मुक्त हो गया, आज मेरे जीवन के सारे बंधन समाप्त हो गए।